माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर फोर में जो क्वेश्चन हल किया गया था वो जो टॉपिक था लिस्ट स्क्वायर मेथड में यानी ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर के जो प्रश्न थे, ऑड नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हल किया गया था। यानी दूसरा जो टॉपिक होगा इवन नंबर यानी सम संख्या। तो ऑड नंबर में हम लोग क्या करते थे कि जो बीच वाले पद का होता था उसको हम लोग जीरो मान के चलते थे, यानी एक्स का जो डिविएशन ज्ञात करते थे बीच वाले टर्म को, बीच वाले आइटम को हम लोग उसे यानी जीरो मान करके चलते थे। और अभी जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं वो इवन नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इवन नंबर में किस प्रकार से हल किया जाएगा अभी क्वेश्चन हल करने के बाद, यानी पहले भी समझाते चलेंगे और उसके बाद हल करने के बाद भी रिपीट किया जाएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन को हल किया गया। तो आज जो प्रश्न हल किया जाएगा वो होगा इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर है 13, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर्स मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड ये हुआ इवन नंबर का क्वेश्चन है। पहले हम लोग ईयर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले ईयर लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईयर सेल्स इन लाख है, इन लाख दो हज़ार नौ से लेकर दो हज़ार नौ दस बारह तेरह पाँच नौ बारह तेरह पाँच नौ बारह तेरह अठारह सोलह। हम लोग ईयर को एक्स डिविएशन लेते हैं यानी एक्स इसको लेंगे। पहले बताया गया था कि विषम संख्या में और नंबर में बीच वाले को जीरो लिया जाता था। ऊपर में माइनस में जाते थे हम लोग 1 2 3 और नीचे में प्लस में जाते थे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ हो गया कि यहाँ पर हम लोग जीरो लेते हैं यानी इसको हम लोग यानी एक मानते हैं तो इसको भाग देंगे हम लोग, तो एक से भाग देंगे यानी वन बाई टू तो 0.5 आएगा। यानी नीचे आएगा 0.5 प्लस में, यहाँ आएगा 0.5 माइनस में, एक वो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे -1.5 और -2.5। इधर हो जाएगा -1, अब यहाँ प्लस है नीचे, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में होगा 2.5। अब हम लोग एक्स का इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर 25 25 600 25 600 25 15 225 यानी 0.25 ये हो जाएगा 0.25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब खत्म हो गया।
एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम लोग एक्स वाई ज्ञात करेंगे, एक्स वाई ज्ञात करने के बाद ट्रेल वैल्यू ज्ञात करेंगे। ट्रेल वैल्यू टू हजार नौ का वाई इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। यहाँ हम लोग वाई का टोटल करेंगे, नौ पाँच चौदह दो सोलह तीन उन्नीस एक बीस और सात सत्ताईस तैंतीस और तीन तैंतीस के तीन हाथ में तीन चार पाँच छः सात तिहत्तर पाँच पाँच दस पाँच पच्चीस 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 पाँच छत्तीस सोलह तीन पाँच हाथ में हम लोग एक्स वाई ज्ञात करेंगे। एक्स वाई यानी वाई ये होगा ठीक है, जोड़ जोड़ घटाओ अपने भी करने का चीज है, केवल रूल्स याद रखना है। यहाँ एक्स है और वाई बच्चा पच्चीस के पांच हाथ में दो पांच दो दस और दो बारह याद रखेंगे। ये माइनस है, माइनस का चिन्ह होगा। पचह पच्चीस ये पाँच हाथ में दो पाँच नौ दो बारह नौ से पंद्रह नौ एक सौ पैंतीस एक सौ पैंतीस। अब देखना है कई अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद इधर से दशमलव होगा तेरह दशमलव पाँच पंद्रह नौ एक सौ पैंतीस फिर बारह से तो बारह बचे साठ माइनस में है छः हो जाएगा जीरो। तेरह से तेरह पच्चे पैंसठ के पाँच हाथ में रहा छः तेरह दुना छब्बीस चार तीस और दो बत्तीस अठारह पच्चे नब्बे जीरो हाथ में नौ अठारह दुना छब्बीस चार चालीस पाँच पैंतालीस के पाँच हाथ में रहा चार अठारह दुना बाईस अठारह दुना छत्तीस और चार चालीस अठारह पच्चीस अठारह पच्चे नब्बे के सोलह हाथ में नौ अठारह दुना छत्तीस चार चालीस और पाँच पैंतालीस के पाँच हाथ में रहा चार अठारह दुना छत्तीस और चार चालीस सही है। सोलह पच्चे अस्सी के सोलह हाथ में आठ सोलह दुना बत्तीस और आठ चालीस के सोलह हाथ में चार सोलह छः छियानवे और चार सौ यानी हो गया। माइनस को अलग जोड़ेंगे और प्लस अलग रहेगा। माइनस यानी यहाँ पर ऐसे भी जोड़ देते हैं हम लोग पाँच दूना दस सोलह हाथ में एक बारह है तेरह तेरह दूना छब्बीस सातीस दो बत्तीस माइनस में आ गया थर्टी टू माइनस में आया थर्टी टू। फिर से देख लेते हैं पच्चीस पच्चीस एक सौ पच्चीस पंद्रह नवा एक सौ पैंतीस बारह पच्चीस साठ ठीक है। पाँच पाँच दस सोलह हाथ में एक तेरह एक चौदह दो सोलह दस छब्बीस सातीस दो बत्तीस सही है। अब यहाँ पर है प्लस में पचास ये पचास जीरो पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच सात में एक एक दो तीन के तीन रह जाएगा तीन पचास सात एक सौ तिहत्तर ऐसे भी चालीस 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 तीस सत्तर दो बहत्तर तिहत्तर एक सौ तिहत्तर। अब यहाँ घटाएंगे पॉइंट पचास रहेगा ही बड़ा है बारह में से तीन घटाए नौ प्लस का साइन है बड़ा है तीन में से दो घटाए एक सात में से तीन घटाए चार एक सौ इकतालीस दशमलव पाँच एक्स का जोड़ा किया हुआ है। अब यहाँ हम लोग ट्रेन वैल्यू निकालने से पहले ए का वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ए यानी ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई हो गया सेवेंटी थ्री बाई ए हो गया एज कल टू ए एक दो तीन छः है तो छः हो जाएगा एक का छः बारह छः बहत्तर एक पर सोना दस छः का छः फिर चार पर सोना चालीस छः छः छत्तीस छः छः छत्तीस
फिर हो जाएगा बीस कल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 141.5 बटा हो जाएगा एक्स वाई 17.5 यानी 1415 175 15 यानी लगभग 8.08 लेकर चलेंगे। अब हम लोग वाई स्क्वायर टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, पहले ए का वैल्यू यहाँ निकाल दिया गया। याद रखेंगे ईयर को एक्स लेते हैं, ईयर को हम लोग एक्स लिए हैं और शीर्ष को वाई लिखा हुआ होगा। वाई यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, ये वाई है, क्योंकि एक्स और वाई को यानी वाई को एक्स से गुना किए तो हम लोग को एक्स वाई आया है। और इससे गुना करने के बाद और इसका एक्स स्क्वायर निकाला गया है। अब हम लोग ए यानी बी का वैल्यू निकाले हैं, ए इजकल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, बी इजकल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग 2009 का ट्रेंड वैल्यू याद करते हैं, वाई इजकल टू यानी ए का वैल्यू हमारे पास है 12.16 के सेवन कर देते हम लोग प्लस बी इंटू बी इंटू एक्स, तो ब्रैकेट में कर दिए, बी का वैल्यू है 8.08 गुने एक्स का मान है हमारे पास यहाँ पर -2.5। अब यानी गुना करें हम लोग 8.08 को 2.25 से यानी एक का दो अंक तीन अंक के बाद दसमलव होगा 5.48 2.16 0.6410 के सुना हमें 1.2 4.10 के सुना हमें 1.2 यानी 20.20 8.08 दो अंक है और यहाँ एक अंक तीन अंक के बाद दशमलव 20.20 ए आ गया 20.20 वाई स्क्वायर टू ए प्लस बी एक्स 8.08 12.17 6.26 यहाँ पर x माइनस में है ये, तो माइनस 25 से हम लोग गुना किए इसको,
तो 25 × 200 सही है, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा होगा, यानी 20.20 घटाना 12.17 10 × 7 में हो जाएगा 1 × 0 10 लाख हो जाएगा, आगे 1 खत्म हो जाएगा, यानी 8.03। सर नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन करके पुनः देखते हैं क्वेश्चन के बाद चेक करते हैं लोग। 5, 9, 12, 13 सही है। एक्स का लिए हम लोग 0.5, 1.5, 2.5 एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स वाई निकाले हम लोग 5 से तो 5 × 10 15, 9, 135 5 है 6 × 32 चेक कर ले रहे हैं ना, ये तो सही है। आपको स्क्वायर होगा 15, 50, 25, 0, 50, 25, 25, 225, 25, 625, 625, 1, 2, 3, 4, 5, 6 25 × 150, 7 × 1, 107 × 9, 11, 6, 17 सही है। यहाँ देखते हैं इसको, एक्स वाई 5 से 25, 25, 125 9 × 15, 9, 135 सही है, 12, 25, 60 सही है, 13 × 13, 65 यही गलती हुआ है, 13, 25, 65 गलत गुना हो जाने का परेशानी हो गया, गड़बड़ी हुई। स्क्वायर से गुना हो गया 13, 25, 65 6.5 13, 25, 65 एक अंक के बाद होगा, फिर 18, 25, 90 की 0 हाथ में 9, 18, 1, 18 और 9, 18, 20, 7, 27 सही है। 16, 25, 80 के 16 हाथ में 8, 16, 2, 32 और 8, 40 बहुत बड़ा गलती हो गया, गुना करना चाहिए था, यानी गुना होगा x और y के बीच में गुना हो गया, इससे गुना जिसके कारण बहुत चेंज कर गया, नीचे का आंकड़ा काफ़ी चेंज कर गया था, अब ऊपर का हो गया 5, 5, 10, 12, 13, 13, 13, 34, 32 माइनस पहले, यानी इसको माइनस या 32 लिख दे रहे हैं, ये हो गया 0.5 तो रहेगा ही 0.5 6, 7, 13 के 3 हाथ में 1, 1, 2, 3, 4, 7, 73 बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा था, 0.5 तो रहेगा ही, 3 में से 2 हटाए 1, 3, 2, 1, 7, 3, 4 यानी 41.2। अब चूंकि ट्रेड वैल्यू निकालना था, डिजिट ही गड़बड़ हो गया,
मल्टीप्लाईकेशन में। और यहाँ देखते हैं ये स्केल टू निकालना हमको, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन यानी सिग्मा वाई 73 सही था बटा 6 12 6 72 1 पर 0 10 6 1 6 4 पर 0 40 6 1 6 5 4 4 पर 0 40 6 6 36 6 6 36 इसलिए इसको हम लोग 17 लेके चल सकते हैं। 20 का हो गया सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी एक्स वाई आ गया 41.5 बटा हो जाएगा ये 17.5 है, इसको हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे यानी 415 बटा हो गया 175 415 बटा 175 175 दो बार हो जाएगा 2 5 10 14 15 7 1 2 3 तीन बार में चल जाएगा 3 5 15 5 7 1 3 7 21 22 3 1 3 2 5 75 2 5 10 2 0 2 15 5 7 1 2 3 दो बार हो गया था 5 11 5 6 11 5 6 65 650 6 6 देखते हैं 6 35 0 7 3 6 47 3 45 5 7 4 6 6 4 10 बहुत आगे बढ़ जाएगा यानी 650 है 5 बार में 5 1 5 25 के 5 हाथ में 2 5 7 35 37 7 हाथ में 3 5 1 5 होते 8 4 बार में जाएगा 4 4 बार में कर जाएगा 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 7 28 30 के 0 हाथ में 3 4 1 4 3 7 लगभग 2.4 लेकर के चलते हैं लगभग 2.4 यानी फिर 35 3 से लेकर चलो 3 5 15 के 5 7 1 3 7 21 22 3 1 3 2 5 10 5 5 हो गया 4 2 5 250 150 लगभग 2.32 लेकर चलो लगभग ज़्यादा बढ़ जा रहा था 2.32 पॉइंट से कोई फर्क कुछ नहीं पड़ता है। यानी वाई स्क्वायर तो हो गया ए का मान हमारे पास है 12.17 प्लस बी एक्स तो बी हो गया बी का मान है हमारे पास 2.32 इंटू माइनस है 2.5 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब हो गया 2.32 में हो गया 2.25 5 9 10 5 15 5 10 5 15 16 5 10 11 तो 2 2 4 2 3 6 2 3 4 0 6 4 10 9 1 1 2 6 8 11 5 और यहाँ पर कितना था 2.32 और 2.5 3 अंक के बाद 16 होगा 3 अंक यानी 5.80 माइनस में आ गया यानी वाई स्क्वायर टू 12.17 माइनस 5.80 अब 12.17 में 5.80 बताएंगे ये 7 हो गया 11 7 3 11 6.37 यानी यहाँ पर लिखा है 6.37 यानी आंसर है 6.26 है क्योंकि 6 इधर का डिजिट मिल जा रहा है इस दशमलव को यानी 32 लिए थे हम लोग। अगला देखते हैं 2009 का हो गया 6.37 2010 का बैठाते हैं वाई स्क्वायर टू प्लस बी एक्स तो 10 में हो जाएगा यानी 12.17 प्लस कचिंग रहेगा
यहाँ हो जाएगा 2.32 गुने लेना हमको -1.5। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 × 30 के 16 हाथ में 3, 15 × 45 = 48 का 8 हाथ में 4, 15 × 30 = 4, 34 तीन अंक के बाद दशमलव हो गया 3.480। अब यहाँ लिखेंगे 12.17 - 3.48 = 480। अब 12 में से घटाना है 12.17 तो 3.480, 17 × 8 = 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 × 4 = 6 हो जाएगा, 11 × 3 = 8.62 पहले डिजिट मिल रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद 9 के 10, इसके बाद 11 लेके चलेंगे हम लोग, 11 में देखते हैं y = ऐसे ही चलेगा, y = 12.17 + 2.32 - -0.5, 5 से 12.17 ± हो जाएगा, एक बार गुणा करके लिखते हैं 5 से 5.5 = 16 + 10 = 11 यानी 5 × 10 = 1.16। अब यहाँ पर है 12.17 में 1.16 = 7.6 = 11। दस दशमलव अंठानवे 12.17 = 1.160 5 से गुणा करेंगे 5 + 5 = 5 + 10 = 11 यानी 5 × 1.160 317 करेंगे हम लोग। यहाँ 1.16 = 1.17 12.17 - 1.16 = 11 को भी 11 माना जा सकता है। आंसर दिया हुआ 10.98। हम नेक्स्ट चलते हैं, वो आए हम लोग 12 का 12 = 12.17 + हो जाएगा 2.32 × 5, 5 × 10 = 5 × 5 = 5 × 5 = 11 = 1.16। अब 12.17 + 2 = 12 + 13 = 16 + 13 = 34 सही है 13.33 सही है, ये 13 / 22 = 20 13 का निकाले हम लोग, 20 13 का 1.5 है, प्लस में आएगा y = 12.17 + 2.32 × 1.5,
पंद्रह दूना बीस के समय आपने तीन पंद्रह दिया, पैंतालीस तीन अड़तालीस का हाथ में चार, पंद्रह दूना बीस से चार चौंतीस, आगे जगह बारह दशमलव सत्रह प्लस तीन अंक के बाद तीन होगा अड़तालीस, बारह तीन पंद्रह, आठ तीन सात पंद्रह, पाँच सात एक चार, पाँच एक छः अड़सठ, बारह पंद्रह दशमलव अड़सठ, पंद्रह सत्तर है, ये भी सही है, सब सही है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में यानी दो पैसे का डिफरेंस आ रहा है, दस दशमलव अठानवे दिया है इसका, जिसमें हमारा आ रहा है ग्यारह, तो चल सकता है क्योंकि दस दशमलव अठानवे का मतलब ग्यारह माना जा सकता है दो पैसा। ऐसे भी यानी मैथमेटिक्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स में एक से ऊपर यानी पचास पैसा से ऊपर आता तो उसको हम लोग एक मान लेते हैं, तो ये तेरह तक हो गया, चौदह का एक और निकालना है, चौदह का पहले इसका मान सबका हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर, पहले आया है छः दशमलव सैंतीस, फिर आया है आठ दशमलव उनहत्तर, ग्यारह जीरो, छः दशमलव तेरह दशमलव सैंतीस, पंद्रह दशमलव अड़सठ, इसका सत्तर है, एक बच रहा है इसका भी निकाल देते हैं, इधर यही हो जाएगा बीस चौदह बारह दशमलव सत्रह प्लस दो दशमलव बत्तीस दूने दो दशमलव पाँच, जो होगा पच्चीस गुना पचास के सुना आपको पाँच पच्चीस दिया, पचहत्तर पाँच अस्सी के सुना आपको आठ पच्चीस गुना पचास हुआ अंठावन, यानी पाँच दशमलव अस्सी, यह हो जाएगा बारह दशमलव सत्रह, बारह और ये हो जाएगा पाँच सत्रह और अस्सी बीस सौ अस्सी दशमलव सात संतानवे, सत्रह दशमलव संतानवे, यानी इसको जोड़ते हैं हम लोग बारह दशमलव सत्रह और यहाँ है पाँच दशमलव अस्सी सात आठ एक नौ बारह पाँच सत्रह, सत्रह दशमलव संतानवे, इसको हम लोग अठारह भी लिख सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग में दशमलव तो देख लेंगे लगभग आ रहा है अठारह, हमें आया था सत्रह दशमलव संतानवे, यानी कैलकुलेशन स्वयं करने का चीज़ है, अपने गुणा भाग करेंगे, मेन समझना है नियम। अब याद रखें यहाँ पर पुनः रिपीट करने जा रहा हूँ मैं कि कैलकुलेशन ऑफ ट्रेन वैल्यू बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड, याद रखना है कि ये ईयर को हम लोग ईयर को एक्स लेते हैं और जो सेल्स होगा या जो भी दूसरा डाटा होगा उसको हम लोग वाई लेते हैं, एक का हम लोग डिविएशन निकालते हैं, यहाँ विषम संख्या नहीं है सम है इसलिए बीच वाले में जीरो लेकर यानी जीरो पॉइंट फाइव यानी एक का आधा दशमलव पाँच, ऊपर में माइनस की ओर जाते हैं नीचे की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस, और एक स्क्वायर इसका निकाला गया पच्चीस पच्चीस सब छः सौ पच्चीस, सबका स्क्वायर किया गया है टोटल का और एक स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, एक्स और फिर वाई यानी ए एक्स है और यहाँ वाई लिखा हुआ इसे गुणा किए हम लोग पाँच से, यहाँ पर लिखा गया ट्रेन वैल्यू यहाँ निकाला गया है, थोड़ा टाइम लगेगा और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और प्रश्न को हल किया जाएगा, यानी ये जो है क्वेश्चन जो हल किया गया अभी वो टाइम सीरीज का लिस्ट स्क्वायर मेथड का पहले हुआ था ऑड नंबर, ऑड मतलब था उसका था विषम और ये है सम संख्या, सम संख्या में चूंकि बीच में कोई पार्ट नहीं इसलिए जीरो वन टू थ्री नहीं ले पाए, क्योंकि बीच वाले को जीरो मान लेते हैं और एक मान करके इसको लोग टू से डिवाइड करके दशमलव पाँच लेके चले, यानी एक बढ़ता चला जाएगा जैसे उसमें जाता था एक जीरो के बाद वन टू थ्री या दशमलव जीरो के बाद ये चला जीरो पॉइंट फाइव, इसको दो पार्ट में पार बांटे हैं और उसके बाद एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, एक नीचे बढ़ेगा एक ऊपर, ऊपर में माइनस डायरेक्शन जाएगा नीचे में प्लस डायरेक्शन, या इससे रिलेटेड दूसरे प्रश्न को भी हल किया जाएगा और आंसर लगभग सभी का मिल गया है, एक दो पैसा कहीं अगर फर्क पड़ता है तो मोबाइल से कैलकुलेट कर लेंगे जनरली। आज मैं अपने लेक्चर यानी जी टू का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी टाइम सीरीज का जो लिस्ट स्क्वायर मेथड चल रहा है, लिस्ट स्क्वायर मेथड में आज
यानी पहले चला था जो ऑड नंबर था और आज जो प्रश्न हल किया गया वो इवन नंबर, सब संख्या में यानी इवन नंबर के केस में हम लोग जो एक्स का जो वैल्यू लेते हैं यानी मिडिल पार्ट को हम वन लेते थे, यहाँ जीरो यानी एक लेकर के दो भाग में बांटते हैं, एक को ऊपर में ले जाएंगे 0.5, नीचे में ले जाएंगे 0.5 रहेगा, लेकिन ऊपर माइनस और नीचे में प्लस। आज मैं अपने लेक्चर को यही एंड करते हुए ही अपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स और जो भी इस चैनल से जुड़े लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।